पर्सनल सेलिंग पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि जब आप जो है पर्सनली कांटेक्ट करके फेस टू फेस जो है कस्टमर के पास जाते हैं और उसको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो क्या कहलाता है पर्सनल सेलिंग कहलाता है ये अपना आपका अगला टॉपिक है तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप कोटलर फिलिप कोटलर जी ने क्या डिफाइन किया है पर्सनल सेलिंग को कि पर्सनल सेलिंग इज ए फेस टू फेस इंट्रैक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स या कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंट्रेक्शन होता है किससे चाहे एक या फिर एक से ज्यादा कस्टमर से प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं जो सामान खरीदना चाह रहे हैं उनको हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन देते हैं सामान का उनके क्वेश्चन जो भी होते हैं प्रोडक्ट्स रिलेटेड उसका हम सॉल्व करते हैं और हम ऑर्डर्स उनसे लेने की कोशिश करते हैं तो यही क्या कहलाता है पर्सनल सेलिंग पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस इंट्रेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर परचेजर मतलब कि कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स आप पर्सनल सेलिंग में नॉर्मली देखते होंगे कि आपके घर पे इंश्योरेंस वाले कोई होते हैं इंश्योरेंस बेचने के आते हैं तो वो क्या करते हैं इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं आपके पास आते हैं आपको पूरी डिटेल समझाते हैं कि क्या क्या है क्या क्या, -क्या नहीं है तो सारे क्या होता है प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद आपके पास जो डाउट्स होते हैं कि अच्छा ये इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा कितने महीने तक प्रीमियम देना पड़ेगा कितने साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा लास्ट में क्या मिलेगा बीच में कुछ मिलेगा नहीं ये सारे क्वेश्चन को क्या कहते हैं वो आंसर करते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है कि क्लोज करते हैं यानी कि फाइनली आपसे वो इंश्योरेंस सेल कर देते हैं आपको तो प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स हो गए तो यही पर्सनल

सेल करता है ऑर्डर को प्रोक्योर करता है उसको हम सेल्स पर्सन कहते हैं तो सेल्स पर्सन ही यूजेस हिज और हर इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सारा कुछ सेल्स पर्सन के ऊपर होता है कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि वो कैसे कस्टमर को परसुएट कर लेता है यानी कि कैसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर ले वो उस पर डिपेंड करता है तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि फेस टू फेस इंट्रैक्ट इंट्रैक्शन होता है जहाँ पर जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ऑर्डर परचेज ऑर्डर दे दे या फिर जो प्रोडक्ट है जो गुड्स या सर्विसेस उसको

प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है जब आप सेलेक्ट कर लेते हो किसी कस्टमर को तो आप क्या करते हो प्री अप्रोच यानी कि उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालते हो कि उसकी क्या नीड्स है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कैसे जो है आ, क्या क्या चीजें हमें इसको बतानी होगी तो प्री अप्रोच यानी कि सेलिंग प्रेजेंटेशन से पहले जो आप पूरी तैयारी करते हो दैट इज प्री अप्रोच सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल लेते हो उसके बाद क्या करते हो अप्रोच करते हो यानी कि आप उस कस्टमर को जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको अप्रोच करते हो उसके पास जाते हो और जब जाते हो तो क्या करोगे प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन यानी कि उसको सारा इंसोरेंस जो है क्लियर करोगे ये बेनिफिट्स हैं ये पॉलिसीज है ये प्रीमियम होगा ये बेनिफिट्स हो गए जब मेच्योर हो जाएगा तो बच्चे को इतना मिलेगा आपको इतना मिलेगा सारा कुछ आप प्रेजेंट करते हो सारी इंश्योरेंस की डिटेल यानी प्रोडक्ट की डिटेल गुड्स की डिटेल आप जो है उसको प्रेजेंट करते हो डेमोस्ट्रेट करते हो ठीक उसके बाद फिर क्या होता है कि ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन तो बट ऑबियस बात है कि जब आपने पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया पूरे इंश्योरेंस को समझा दिया तो अब आगे वाला जो कस्टमर है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो कुछ ना कुछ क्वेरीज होगा उसके कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे तो अब आपको क्या होगा उसके गुडर्ट्स को क्लियर करने होंगे वो पूछेगा कि मुझे प्रीमियम कितने महीने तक देना होगा अगर प्रीमियम नहीं दे पाया किसी मैंने तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेरा लैप्स तो नहीं

मेंटेनेंस रखना है यानी कि अगर उसने परचेज कर लिया तब भी आपको उसको फॉलोअप करना कि नहीं कि बाद में भी उसे डील कर देना है कि हाँ सर आपने प्रीमियम टाइम टू टाइम फिल कर दिया कि नहीं कर दिया प्रीमियम के लिए आपको रिमाइंड कराना होता है अगर उसने सेल नहीं भी किया तो उसको फिर से रिमाइंड करना कि सर आपने इंश्योरेंस के लिए बोला था क्या वो आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते तो फॉलोअप भी करते रहना ज़रूरी है तो ये पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स से हैं सेलिंग प्रोसेस हैं कि पहले आपको जो है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन आपका जो है कस्टमर हो सकता है फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है यानी कि प्री अप्रोच फिर उसको अप्रोच करना है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कब मिल सकता हूँ आपसे टाइमिंग लेनी होती है फिर उसके बाद आपको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने गुड्स को प्रेजेंट करना है डेमोस्ट्रेट करना उसके बारे में पूरा समझाना है जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसके बाद जो भी कस्टमर के ऑब्जेक्शन होंगे उसको हैंडल करिए उसको सॉल्व करिए उसके डाउट को क्लियर करिए और फिर फाइनली सेल को क्लोज करिए यानी कि हाँ यस या उसने परचेज कर लिया हो तो नहीं परचेज के लिए होगा दोनों ही केस में अगर परचेज कर लिया तब भी आपको जो है फॉलोअप करते रहना है कि हाँ आप सेटिस्फाई है फीडबैक लेते रहना है अगर सेल नहीं हुआ तो उस केस में भी जो है आपको फॉलोअप करते रहना है कि सर क्या हुआ आपने प्लान किया कि नहीं किया आप लेना चाहेंगे कि नहीं ले जाएंगे इस आपको फॉलो करते रहना है तो ये पूरा पर्सनल सेलिंग का स्टेप होता है तो अब हम बात कर ले फीचर्स या कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग तो पर्सनल सेलिंग के क्या फीचर्स हैं क्या हैं नहीं है किसमें क्या होता है तो सबसे पहले चीज पर्सनल इंटरेक्शन पर्सनल सेलिंग है तो पर्सनल इंटरेक्शन होगा किसके बीच में सेलर प्रोस्पेक्टिव बायर इनके बीच में जो है इंटरेक्शन होता है वो पर्सनल इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बट ऑफिस बात है यहाँ पर क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अपने गुड्स के बारे में गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आइडियाज जो है वो शेयर करता है कस्टमर के कस्टमर को और कस्टमर से जो है उसके बारे में जानना चाहता है कि उसको क्या चाहिए उसके

सेटिस्फेक्शन होगा और बट ऑब इस बात है कि जब प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो आपका जो है नीड भी सेटिसफाई होगा ऑब्जेक्ट एंड टारगेट ओरिएंटेड पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट होता है और टारगेट ओरिएंटेड होता है बट ऑब होता है कि हम क्या है यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है ये टारगेट है हमारा ये टारगेट है इस कस्टमर को हमें ये प्रोजेक्ट ये प्रोडक्ट सेल करना है तो हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है हमें पता है कि हमारा टारगेट कौन है और यहाँ पर हम जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू सेल्स को कंप्लीट करते हैं नेगोशिएबिलिटी नेगोशिएबिलिटी मीस कैन नेगोशिएट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फीचर प्राइस यानी कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंज चाहिए कुछ उसके कुछ और फीचर्स चाहिए तो बता सकता है वहीं पर प्राइसेस को भी निगोशिएट कर सकता है कि हंड्रेड रुपीज मांग रहे हैं नहीं है, हम नहीं नाइन्टी देंगे एट्टी देंगे तो हम निगोशियट कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में आप निगोशिएट नहीं कर सकते वहां पर क्या है वहां पर जो प्राइस दिखा दिया आपको उसी पर लेना है लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप प्राइस को लेकर निगोशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको कुछ बदलाव चाहिए कुछ दूसरे तरीके का प्रोडक्ट चाहिए नेक्स्ट है दैट इज एडजस्टेबिलिटी एडजस्टेबिलिटी यानी कि एडजस्ट कर लेना यानी कि आपको यहाँ पर्सनल सेलिंग में ना आप अपना प्लेस कहां पर मिलना है टाइमिंग कितने बजे मिलना है ये सारी चीजें जो है एडजस्ट कर सकते अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग और लास्ट है दैट इज लॉयल्टी लॉयल्टी मतलब कि फेथफुल जब यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपको सामने वाले के बारे में पता होता है और सामने वाले को आपके बारे में पता होता है प्रोडक्ट वहां पे दिखता है टेंजिबल फॉर्म में आपको जो वहां पे प्रोडक्ट दिखता है तो इससे क्या होता तो है एक लॉयल्टी जन, जनरेट होती है फेथफुल होता है रिलायबल रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है और आगे चल के भी जब आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए हुआ ना तो आप उसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो दैट इज लॉयल्टी तो ये कुछ फीचर्स हैं कैरेक्ट्रिस्टिक्स हैं किसके पर्सनल सेलिंग के अब हम बात कर ले रोल है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग तो अभी तक आप समझिए गएगी कि, कि क्या रोल होता है क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है पर्सनल सेलिंग का संपे? सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज सेल सेल्स क्या होगा वो इंक्रीज होगा मैनुफैक्चर का कंपनी का सेल इंक्रीज होगा इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस इससे क्या होगा कि ब्रांड के बारे में भी कस्टमर्स को पता

और उसके मन में जो भी डाउट होता है प्रोडक्ट को लेकर वो भी क्लेरिफाई हो जाता है तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है एंड ओवरऑल एजुकेट कस्टमर पर्सनल सेलिंग से हम कस्टमर को एजुकेट भी कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो ना तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है पता होता है तो जब जब आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हो सेलर से तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में तो यहाँ से क्या होता है एजु कस्टमर को एजुकेशन में मिल जाता है पर्सनल सेलिंग से तो ये कुछ रोल है इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग के विश यू ऑल द बेस्ट कीप कीपचिंग